केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि दास ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। इससे पहले एक बयान में आरबीआई ने कहा था कि फरवरी के अंत से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और वैश्विक तनाव की वजह से देश में विकास की रफ्तार और मुद्रास्फीति की दर जोखिम भरी है। भविष्य में ऑयल प्राइस में होने वाला उतार चढ़ाव काफी कुछ तय करेगा। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 4% पर ही बरकरार रखा है। साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच लोग आरबीआई से उम्मीद लगाए बैठे थे कि ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, लेकिन रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने पिछली बार करीब 2 साल पहले 22 मई 2020 को प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव किया था। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।